भाई चल बे अगर मुझसे आवाज निकली तो ये गोली तुम्हारे अंदर उतार दूंगा परी चलो पागल हो गया है क्या तू गोली लड़की को भी लग सकती है जिंदा पकड़ो पकड़ो उसको तू उस तरफ जा और तू उधर जा क्या मामू पूरा बंडल समेटेगा क्या कैसे पैसा पैसा ला दे थैंक यू उस तरफ जा ठीक है तू है क्या बेवकूफ बन गया ना क्या हुआ रे साले वो इंसान है या शैतान है Thank you.
कर लफड़े में नहीं पड़ता, और पड़ता है तो उसे पूरा करके छोड़ता है। ऐसे क्या देख रही हो? क्योंकि 10 लोगों को मारने में तुम्हें इतना टाइम लगता है। ये लड़की तो ज्यादा ही चालू लगती है। ए शंकर, मुझे इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। बहुत मुश्किल है। मुश्किल? तुमसे शादी करके मुश्किल में फंस जाऊंगा। तुमने भी तो मेरे लिए मुश्किलें उठाई है ना। उसके लिए तुमने थैंक्स बोल दिया ना। लगता है मुझे थैंक्स नहीं बोलना चाहिए था। मैं अपना थैंक्स वापस लेती हूँ। बोलो ना, थैंक्स वापस लो या नहीं। तो ले लो। तुमने उनसे क्यों कहा कि मैं तुम्हारी बीवी लगती हूँ? कह देते मैं कुछ नहीं लगती। तुम्हें सोलापुर जाना था ना? सोलापुर? तुम्हें तो कहा था, वहां तुम्हारा फोन रहता है। कहा था। और तुम? मुझे बगल के टाउन में जाकर किसी मैकेनिक को पकड़ना है और अपनी सोनू को ठीक करवाना है। बहुत सारे काम हैं। अरे बाबा, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी एक फ्रेंड का एड्रेस है, मैं उसे पूछ कर बताती हूँ। ठीक है? एड्रेस क्या करूँगा? अगर एड्रेस नहीं होगा तो उससे मिलोगे कैसे? उससे मिलना क्या, मैं उससे मिलकर क्या करूँगा? मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? सोलापुर वाला फ्रेंड खूबसूरत है क्या? हाँ। ऐसा है तो पूछकर बता, मैं उसकी सिस्टर से टाका पे डालूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। जाने का मन ही कर रहा, मेरे साथ चलो ना। कहाँ? कहीं भी चलो। मुझ पर इतना भरोसा है? अपने आप से भी ज्यादा। ठीक है, तो किसी तरह मुझे कुमार स्वामी नायडू का एड्रेस दे दो, या अपने पिता का एड्रेस दे दो शिव प्रसाद रेड्डी का, तो मैं पहुंचाने से जो 10 लाख रुपए मिलेंगे उससे नई स्कॉर्पियो खरीदूंगा, और उसके बाद मैं गौरी गौरी गौरी, तुम्हें उससे मिले हुए 2 दिन भी नहीं हुए, फिर मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो? क्योंकि मैंने रास्ते में तुम्हें कुछ गुंडों से बचाया था, इसीलिए ना। मैं एक रास्ते का आवारा लड़का हूँ, मेरे बारे में सोचकर टाइम वेस्ट मत करो। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच है, पर मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम घर से भागकर क्यों आ गई? कोई काम धंधा करने के लिए ही ना। तुम्हारे फ्रेंड के पास तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम होगा, थोड़े दिन तक जॉब करना, उसके बाद तुम्हारे लायक कोई अच्छा सा लड़का मिल जाएगा, तुम उससे शादी कर लेना और हमेशा खुश रहना। मेरे बारे में सोचना बंद करके अपने बारे में सोचो। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती शंकर, बिल्कुल नहीं। I love you शंकर। मेरी पूरी चाय करा दिया। उठ रहे? एक मिनट। अरे उठ रहे? हाँ एक मिनट, एक मिनट। अरे उठ रहे? तुम 3 दिन से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, तुम नहीं समझोगी। इस उम्र में लुका छुपी का खेल क्यों? किसके लिए तुम भाग रही हो? हाँ